सब्सक्राइब करें सोनिस किचन चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिस किचन। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है तिलगुड़ के लड्डू। फ्रेंड्स, तिलगुड़ को मकर संक्रांति में बनाई जाती है और फिर ये ठंडी के सीजन में भी तिलगुड़ के लड्डू खाते हैं। गुड़ शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। तिलगुड़ के लड्डू बनाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं अपनी एक रेसिपी दिखाऊंगी आपको। मैं थोड़ी सी अलग तरीके से ये तिलगुड़ के लड्डू बनाऊंगी, तो चलिए ये अलग तरीका कैसे है आपको पसंद आती है कि नहीं देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तिलगुड़ बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सफ़ेद वाली तिल और ये 1/2 कप गुड़ लिया है मैंने। 1 टेबल स्पून यानी कि 1 बड़ी चम्मच हम लेंगे कैशू नट्स यानी कि काजू, 2 छोटी चम्मच यानी कि 2 टीस्पून घी लेंगे और 1 टीस्पून हम लेंगे कैडमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे ये कढ़ाई लिया है और फ्लेम ऑन कर लेते हैं। अब हम पहले ये जो तिल लिया है हमने वाइट वाले, इसे भून लेंगे। फ्रेंड्स, तिल एक काली वाली आती है ब्लैक तिल्स और ये वाइट तिल्स है, लेकिन इसमें भी पॉलिश तिल आती है, वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है लेकिन टेस्ट में इतना अच्छा नहीं होता है। बिना पॉलिश का तेल ही ले तो तिल अच्छा रहेगा। अब हम इसे भून लेंगे, थोड़ा सा भूनना है इसे। फ्रेंड्स देखिए, ये तिल को हमने भून लिया है, हल्का सा ही भूनना है तो हमने इसे भून लिया है। चलिए इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये तिल को निकाल लिया है प्लेट में। अब हम पाक बनाएंगे, तो ये इसी कढ़ाई में थोड़ी सी पानी डालेंगे। 1/4 कप पानी लिया है मैंने, 1/4 कप से भी कम पानी है, बहुत ही कम पानी डालनी है। फ्रेंड्स, तिलगुड़ अपने अपने अपनी अपनी रेसिपीज़ है, सबकी अपने अपने अंदाज में सब बनाते हैं। मैं अपने अंदाज से बना रही हूँ। मैंने एक ट्राई, बहुत लोग बनाते हैं गुड़ को मेल्ट करके तुरंत उसमें तिल डाल के बनाते हैं, परफेक्ट है, बन जाती है, लेकिन बाद में वो तिल जो है नरम हो जाती है, जो लड्डू होते हैं नरम हो जाती है। और ये वाली जो लड्डू है आप 1 हफ्ते से, मतलब 3-4 हफ्ते भी रखेंगे तो ये नरम नहीं होती है, परफेक्ट उतनी ही कड़क जितने हम बनाते समय रहता है उसी हिसाब से रहता है। तो मेरा तरीका ये है। तो अब हम इसमें ये गुड़ ऐड कर लेंगे। आप अगर ये पानी नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ गुड़ को भी मेल्ट कर करके, सेम प्रोसेस है, सिर्फ इसमें पानी नहीं डालना होगा। लेकिन मेरा जो ये तरीका है इसमें पानी ऐड होता है और इसमें हम 2 तार की चाशनी बनाएंगे जिससे हमारे लड्डू 3 हफ्ते बाद भी कड़क और अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा। तो ये गुड़ को हमें मेल्ट होने देते हैं पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, ये गुड़ में उबल आ गई है, हमें इसी तरह इसे पकानी है। थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे गुड़ को, या फिर हम एक बाउल में पानी लेकर के चेक करेंगे, लेकिन अभी तुरंत उबल आया है इसमें तो इतना जल्दी तो नहीं बनेगा। फ्रेंड्स देखिए, ये गुड़ में, ये गुड़ थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें, ये बाउल लिया है मैंने पानी का, इसमें चेक करेंगे हम हमारा गुड़ जो है परफेक्ट बना है कि नहीं पाक। तो देखिए, ये बाउल में जो गुड़ मैंने डाला हुआ है हम इसे इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा होता है कि नहीं।
फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरह से एक बॉल जैसी बन रही है, आप देख सकते हैं। तो अभी परफेक्ट हमारा गुड़ का जो पाक है बन गया है, या फिर आप हाथ से भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा ले लें, बहुत गर्म होती है। और ये देखिए आराम से तार बन रही है। तो चलिए बंद कर लेते हैं फ्लेम को, और अब हम इसे ये तिल को जो है मिक्स कर लेंगे। पहले हम ये कैशू नट डाल देते हैं और हम ये तिल डाल देंगे। और इसमें हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे। जो ट्रेडिशनल तरीका है फ्रेंड्स, उसमें तिल गुड़ बनाने के लिए सिर्फ गुड़ और तिल का यूज़ करके बनाई जाती है। और ये वैसे भी हेल्दी होती है, और ठंडी के सीजन में तिल गुड़ खाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गर्म होता है। तो फिर हम इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स में आपके आलमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं, कैशू नट्स, अपना मनचाहा ड्राई फ्रूट्स यूज़ करें और बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्स हो गया। अभी हम फ्लेम को ऑन करेंगे और स्लो रखेंगे। यहाँ पे जो गणपति में मोदक बनती है, महाराष्ट्र मुंबई यहाँ पे मोदक बनती है, और वैसे ही आंध्र प्रदेश में वैजाग वहाँ पे बनती है गणपति में ये तिल के लड्डू। भगवान गणपति को भोग चढ़ाई जाती है तिल का लड्डू, और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति में ये लड्डू बनाई जाती है। तो चलिए ये अभी बन गई है, अब हम इसे लड्डू बनानी है, बांधनी है, तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये मिश्रण को प्लेट में निकाल लिया है। चलिए अब हम इसकी लड्डू बना लेते हैं। फ्रेंड्स गर्मा गर्म ही इसे बनाई जाती है, ठंडा होने पर ये बनती नहीं है। तो हाथ में जितना हम टच कर सकें उसके उतने गर्म में ही हमें इसका लड्डू बना लेनी है फटाफट से। देखिए इस तरह से बहुत ही आराम से बन रही है, इतने ही गर्म में बनाए फ्रेंड्स। ठंडा हो जाएगा तो इसका लड्डू नहीं बनेगा, ये कड़क हो जाएगी। इसी तरह से ये सारे मिश्रण को हम बना लेंगे। हाथ में कुछ घी या कुछ लगा लें ताकि ये चिपके ना, वरना बहुत गर्म में जब चिपकता है ना बहुत जोर की झटका लगती है। छोटे बड़े आप अपने चॉइस के हिसाब से इसे बांध सकते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे तिल के लड्डू बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स हमने जितनी क्वांटिटी ली थी उसमें हमारे 25 लड्डू बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स लड्डू को हमने मीडियम साइज़ के बनाया है, आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। ये मीडियम साइज़ के लड्डू हैं, बहुत ही परफेक्ट बना है। फ्रेंड्स आप अगर लड्डू, तिल के लड्डू पहले भी बनाए हों तो ये तरीका को ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, शायद आपको पसंद भी आ जाए, आपके लिए बेनिफिट हो। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एन्जॉय दिस लड्डूज़।